नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इस वक्त की महत्वपूर्ण ताजा खबरों में। आपको बता दें कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,31,800 के पार निकल गई। उधर लॉकडाउन में किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलेगी ये बड़ी छूट। उधर गांव लौटे मजदूरों के खाते में भी आएंगे अब पीएम किसान स्कीम के तहत 6,000 रुपए। उधर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवासियों का किराया राज्य दे या फिर रेलवे मुफ्त चलाए ट्रेनें। वहीं 1 रुपए किलो से भी कम कीमत पर प्याज बेचने को मजबूर है किसान। उधर रेलवे ने बनाए 200 स्पेशल ट्रेन्स में खाने, बेड सीट और कंबल के नए नियम, जान ले वरना होगी दिक्कत। उधर इस कंपनी ने शुरू की वाहनों की होम डिलीवरी, घर पर ही मिलेगी टेस्ट ड्राइव की सुविधा। उधर तूफान अम्फान ने कोलकाता में पानी बिजली संकट पर विरोध प्रदर्शन, लोगों ने खाली बाल्टी बर्तनों से जाम की सड़कें। उधर अगली बड़ी खबर में तूफान अम्फान से बर्बाद बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने मांगी मदद, केंद्र सरकार ने भेजी सेना। उधर पड़ने लगी झुलसा देने वाली गर्मी, दिल्ली में पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,31,868 हो गई। आपको बता दें कि जिसमें से 3,867 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक 54,440 मरीज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वह अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलेगी ये बड़ी छूट। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों की मदद के लिए सरकार कई स्कीम चलाती है। इसमें से एक स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड है। आपको बता दें कि इसके जरिए किसानों को 1.6 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है। वहीं 3 साल में किसान इसके जरिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस कार्ड में ब्याज दर भी बेहद कम, यानी 4% सालाना है। आपको बता दें कि लेकिन अब 7 करोड़ किसानों को बड़ी राहत देते हुए केसीसी पर लिए गए लोन के भुगतान की तारीख आगे बढ़ाकर जल्द 31 अगस्त किया जा सकता है, क्योंकि RBI ने इसकी छूट दे दी है। हालांकि बैंकों के पास अभी तक अधिसूचना नहीं पहुंची है, इसलिए किसानों को इसकी जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल अभी इसकी अंतिम तारीख 31 मई है, जो पहले 31 मार्च से बढ़ाई गई थी। आपको बता दें कि इसका मतलब साफ है कि किसान KCC कार्ड यानी किसान क्रेडिट कार्ड के ब्याज को सिर्फ 4% वर्ष के पुराने रेट पर ही भुगतान कर सकते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन में किसानों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। खेती किसानी के लिए KCC पर लिए गए 3 लाख रुपए तक के लोन की ब्याज दर वैसे तो 9% है, लेकिन सरकार इसमें 2% की सब्सिडी देती है। आपको बता दें कि इस तरह यह 7% पड़ता है, लेकिन समय पर लौटा देने पर 3% और छूट मिल जाती है। इस तरह इसकी दर ईमानदार किसानों के लिए मात्र 4% रह जाती है। वह अगली बड़ी खबर, गाँव लौटे मजदूरों के खाते में भी आएंगे अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब प्रवासी मजदूरों को भी मिल सकता है, बशर्ते वे इसकी शर्तें पूरी कर रहे हों। इसमें खास तौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम और बालिग होना जरूरी है। अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर वो अलग से लाभ ले सकता है, भले ही वो संयुक्त परिवार का हिस्सा ही क्यों ना हो। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि शर्तें पूरी करने वाला मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, सरकार पैसा देने को तैयार है। मजदूर के नाम पर कहीं खेत होना चाहिए, अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर उसके फार्मर कॉर्नर के जरिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं, या फिर जनसेवा केंद्रों पर जाकर आप अपना आवेदन करवा सकते हैं। किसानों को डायरेक्ट मदद देने वाली पहली स्कीम में परिवार का मतलब है कि पति पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे। उसके अलावा अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर वो अलग से लाभ ले सकता है। आपको बता दें कि खेती की जमीन के कागजात के अलावा पीएम किसान स्कीम का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट नंबर और आधार नंबर होना जरूरी है। इस डेटा को राज्य सरकार वेरीफाई करती है, तब केंद्र सरकार पैसा भेजती है। पीएम किसान स्कीम का बजट 75,000 करोड़ रुपए का है। मोदी सरकार सालाना 14.5 करोड़ लोगों को यह पैसा देना चाहती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी मात्र 10 करोड़ ही हुए हैं। आपको बता दें कि इसके कुल लाभार्थी सिर्फ 9.65 करोड़ हैं, जबकि स्कीम शुरू हुए 17 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में अगर शहर से गांव आने वाले लोग इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन्हें लाभ मिल सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय किसान महासंघ के संस्थापक सदस्य विनोद आनंद का कहना है कि शहरों से गांव गए ज्यादातर लोग अब कृषि कार्य में जुटेंगे या फिर मनरेगा के तहत कहीं काम करेंगे। ऐसे में जिसके पास खेती है वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन किसान सम्मान निधि के लिए करवा ले, इसके तहत हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं। किसान संगठन और कृषि वैज्ञानिक लगातार इसे बढ़ाने का दबाव
भी बना रहे हैं। वह अगली बड़ी खबर, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि प्रवासियों का किराया राज्य दे या फिर रेलवे मुफ्त में चलाए ट्रेनें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए पिछले 24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रवासियों को अपने गृह राज्य जाने की छूट दे दी गई थी। प्रवासियों की सुविधा के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी शुरू की गई थी, लेकिन रेलवे के किराए को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में विवाद हो गया था। इसी मामले पर अब गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि गृह राज्य आने वाले प्रवासियों का किराया या तो राज्य सरकारों को वहन करना चाहिए या फिर रेलवे को ये सुविधा बिल्कुल फ्री में देनी चाहिए। वह अगली बड़ी खबर, रेलवे ने बनाए 200 स्पेशल ट्रेनों में खाने, बेडशीट और कंबल के लिए नए नियम, जान ले वरना होगी दिक्कत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 1 जून 2020 से रेलवे 200 पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा है। IRCTC की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से ट्रेनों के लिए ऑनलाइन टिकट की बुकिंग 21 मई से शुरू हो चुकी है। बता दें कि ये स्पेशल ट्रेनें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और 30 स्पेशल AC ट्रेनों के अलावा चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें पूरे तरीके से आरक्षित होंगी, जिसमें AC और नॉन AC दोनों क्लास मौजूद होंगी। इसके अलावा जनरल कोचों में भी बैठने के लिए आरक्षित सीटें होंगी। इन ट्रेनों में कोई भी अनारक्षित कोच नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन ट्रेनों में रेलवे खाना, बेडशीट और कंबल जैसी सुविधाएं देगा या नहीं। आपको बता दें कि टिकट किराए में कोई भी कैटरिंग का शुल्क शामिल नहीं होगा। इसके साथ ही प्रीपेड मील बुकिंग और ई बुकिंग को भी इन ट्रेनों के लिए रोक दिया गया है। IRCTC सीमित खाने की चीजों और पैकेज्ड पीने के पानी को केवल कुछ ट्रेनों में देगा, जिनमें 7 पेंट्री कार जुड़ी होंगी। मुसाफिरों को टिकट बुक करते समय इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। सभी मुसाफिरों को रेलवे ने अपने साथ खाना और पीने का पानी लाने को कहा गया है। आपको बता दें कि स्टेशनों पर सभी स्थिर कैटरिंग और बेचने वाली दुकानें जैसे मल्टीपर्पज स्टॉल, दवाई के स्टॉल, किताबों के स्टॉल आदि खुले रहेंगे। आपको बता दें कि बनी हुई खाने की चीजें फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूम आदि में भी दी जा सकती है, लेकिन केवल ले जाने के लिए, जिसमें बैठकर खाने का प्रबंध नहीं होगा। आपको बता दें कि मुसाफिरों के लिए IRCTC स्पेशल ट्रेनों में लिलन, पर्दे, कंबल नहीं उपलब्ध कराएंगे। आपको बता दें कि आपको उसमें कोई भी चीज उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, खासकर पर्दे और कंबल तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। भारतीय रेलवे ने मुसाफिरों को अपने खुद के ये सामान लाने की सलाह दी है। रेल मंत्रालय के मुताबिक इस उद्देश्य के लिए AC कोच में तापमान को उचित तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। इसके अलावा रेलवे ने सभी मुसाफिरों को कम सामान के साथ सफर करने की भी सलाह दी है। वह अगली बड़ी खबर, पड़ने लगी झुलसा देने वाली गर्मी, दिल्ली में पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच अब गर्मी ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया, तो वहीं देश के ज्यादातर हिस्सों में लू के थपेड़े महसूस किए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि गर्मी का आलम यह है कि राजस्थान के चुरू और श्री गंगानगर में तापमान 47 डिग्री के भी पार निकल गया है। वह अगली बड़ी खबर, 1 रुपए किलो से भी कम कीमत पर प्याज बेचने को मजबूर हुए किसान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जब आप दिल्ली में 20 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज खरीद रहे थे, तब तेलंगाना की सदाशिवपेट मंडी में कुछ किसान 59 पैसे प्रति किलोग्राम के रेट पर प्याज बेचने को मजबूर थे। देश की कई मंडियों में पिछले 10 दिनों में 59 पैसे से लेकर 3.5 रुपए प्रति किलोग्राम तक के न्यूनतम रेट पर किसानों को प्याज बेचनी पड़ी है। यह सच सरकारी वेबसाइट पर भी दर्ज है। जबकि प्याज की उपज से लेकर उसे मंडी तक पहुंचाने में किसान को कम से कम 8 से 9 रुपए प्रति किलो की लागत आती है। सवाल यह है कि इस तरह दाम मिलता रहा तो सरकार 2022 तक देश के किसानों की इनकम कैसे डबल कर पाएगी। वह अगली बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान अम्फान से बर्बाद पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने मांगी मदद, केंद्र सरकार ने भेजी सेना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान अम्फान के कारण बुरी तरह से तहस नहस हुए पश्चिम बंगाल के जरूरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं की बहाली के लिए शनिवार को कोलकाता और उसके आसपास के जिलों में सेना को तैनात कर दिया गया। एक रक्षा अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सेना की 5 टुकड़ियां कोलकाता और उत्तर तथा दक्षिण 24 परगना जिले के विभिन्न हिस्सों में तैनात किए गए हैं। राज्य के इन 3 हिस्सों में ही चक्रवात के कारण सबसे अधिक नुकसान की खबर है। आपको बता दें कि एक कॉलम में 35 सैनिक शामिल हैं, जिनमें अधिकारी और जूनियर कमिश्नर अधिकारी भी शामिल होते हैं। वह अगली बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान अम्फान से कोलकाता में पानी बिजली संकट पर विरोध प्रदर्शन, लोगों ने खाली बाल्टी और बर्तनों से जाम की सड़कें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान अम्फान से प्रभावित कोलकाता के कई इलाकों में पानी और बिजली की आपूर्ति न होने से परेशान लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। महानगर के दक्षिणी हिस्से में स्थित बेहाला से लेकर उत्तरी हिस्से के बेलघरिया तक लोगों ने तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि और जगह जगह सड़कों को खाली बाल्टी और
बर्तनों से बंद कर दिया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तूफान अम्फान के कारण आई तबाही से वो लोग काफी परेशानी में हैं। पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं आ रही और ना ही पानी की आपूर्ति हो रही है। लोगों का कहना है कि राज्य में पानी और बिजली की सप्लाई दोबारा कब से शुरू होगी। वही मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लू जारी रहेगी। उपमाली, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, केरल और तटीय कर्नाटक में गरज के साथ बौछारें जारी रहेंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड और पंजाब में 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ बौछारें गिर सकती हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए और सभी फंसे प्रवासी मजदूर अपने अपने घर आ जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।